नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज आई है यस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से। उन्होंने एक लेटर फाइल किया है बीएससी और एनएससी को और यही कारण है कि आज आपको यस बैंक का शेयर लगभग 5-6% तक भागता हुआ नजर आएगा। हम सब बात इसमें डिटेलिंग में करेंगे और इस छोटी सी वीडियो आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया है कि मार्केट में अचानक से यस बैंक का शेयर इतना जबरदस्त भागने लग गया है। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि भाई यस बैंक का शेयर आज लगभग 5.82% तक भाग रखा है लगभग 1 बजे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो 14.5% पे 5.5 रुपए पे भाग रहा है आज शेयर। लेकिन भाई ऐसा क्या हो गया कि ये शेयर इतना गजब का भाग रहा है? तो न्यूज कुछ इस तरह ही है कि भाई यस बैंक स्पर्ट्स ऑन फंड रेजिंग प्लान। देखिए यस बैंक है ना, फंड रेजिंग का प्लान बना रहा है। तो भाई क्या ये पहली बार है जो भाग इतना रहा है स्टॉक? नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी यस बैंक ने बहुत ज्यादा फंड रेज किया है बहुत बार। तो प्रॉब्लम कहां रखी है? तो प्रॉब्लम सॉरी मतलब ऐसा क्या हो गया भाग रहा है? भाई प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये न्यूज ये नहीं है कि शेयर क्यों भाग रहा है। न्यूज ये इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि किस तरह ये बढ़ा रहा है अपने फंड को, किस तरह रेज कर रहा है, आइए जानते हैं। इनका कहना है कि भाई द बैंक इज प्लानिंग टू रेज फंड इन इंडियन एंड फॉरेन करेंसी बाय इशूइंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज बट नॉट लिमिटेड टू नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बॉन्ड्स मीडियम टर्म नोट्स। देखिए कंपनी जो फंड रेज कर रही है ना वो किसके थ्रू कर रही है? बाय इशूइंग डेट सिक्योरिटीज। भाई कंपनी डेट सिक्योरिटीज के थ्रू फंड रेज करेगी। तो दोस्तों फंड रेज कर डेट सिक्योरिटीज ये रहता है ना अच्छी चीज कि इसके आप ना अपने जो शेयर हैं यस बैंक के उसको वो डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। जब आप शेयर डाइल्यूट करते हो ना तो आपके मार्केट में शेयर कम हो जाते हैं और वो फिर कंपनी की जो शेयर प्राइस उसके लिए अच्छा नहीं होता है। और जो ये डेट सिक्योरिटीज को आप जब अब डेट सिक्योरिटीज के थ्रू जब आप फंड रेज करते हो तो उससे क्या होता है, कंपनी में कॉन्फिडेंस आता है और ये शेयर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज होती है। और इसीलिए आज आपको दिख रहा होगा कि शेयर बहुत जबरदस्त भाग रहा है। और भाई ये कब होने वाला है? द बैंक सेड दैट इट्स बोर्ड मीटिंग मेट ऑन थर्सडे 10th जून 2021 टू कंसीडर फंड रेजिंग। भाई 10 जून को जो इनकी मीटिंग होने वाली ना, ये अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे कि भाई हम फंड रेजिंग करने वाले हैं और कब करने वाले, कैसे करने वाले? थ्रू डेट सिक्योरिटीज, बाय इशूइंग डेट सिक्योरिटीज। तो दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी न्यूज है। अगर आप भी शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए भी अच्छी न्यूज है। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी भी कुछ नहीं बदला है, बहुत कुछ कंपनी आज भी उतनी ही लोन में है और आगे का प्रोस्पेक्टस मानता हूं अच्छा है। प्रशांत कुमार जी बहुत मेहनत कर रहे हैं बट स्टिल सिर्फ इसी रैली को देख करके इस पे इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अभी थोड़ा अगर 15 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो ही कोशिश कीजिए खरीदने की। डिस्क्लेमर के लिए मैं बता दूं ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल में नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।